चो, मेरा नाम है रिनू गहलोत और आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इलेवंथ क्लास की बायोलॉजी तो आई होप आप सभी लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे तो देरी नहीं करते हैं अब जल्दी से स्टार्ट करते हैं तो आज से हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेवंथ क्लास की बायोलॉजी ठीक है तो स्टार्ट करते हैं तो देखो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इलेवंथ क्लास की बायोलॉजी ठीक है तो सबसे पहले क्या होता है बायोलॉजी को क्या बोलते हैं जीव विज्ञान भी बोलते हैं ठीक है तो आज से हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास की जीव विज्ञान या फिर बायोलॉजी की ठीक है तो सबसे पहले बायोलॉजी पढ़ने से पहले या फिर जीव विज्ञान को में चैप्टर पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज क्लियर कर दूं कि जो जीव विज्ञान होता है ये क्या है जीव विज्ञान जिसे हम क्या बोलते हैं हम लोग बोलते हैं इसे बायोलॉजी ठीक है तो क्या होता है बायोलॉजी को दो भागों में डिवाइड किया गया है दो भागों में बांटा गया है ठीक है वो भाग कौन कौन से है तो सबसे पहला भाग है वनस्पति विज्ञान ठीक है पहला भाग है वनस्पति विज्ञान दूसरा भाग है प्राणी विज्ञान ठीक है तो जो जीव विज्ञान होता है या फिर बायोलॉजी होती है उसे दो भागों में बांटा गया है पहला भाग क्या है वनस्पति विज्ञान और दूसरा भाग क्या है प्राणी विज्ञान ठीक है अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इन्हें दो भागों में क्यों बांटा तो इन्हें दो भागों में इसलिए बांटा क्यों क्योंकि देखो क्या होता है जो वनस्पति विज्ञान होता है ना इसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं पौधों के बारे में किसकी जानकारी लेते हैं इसके अंदर हम पौधों की पौधों या फिर पादप की ठीक है तो जो वनस्पति विज्ञान होता है उसके अंदर हम बात करते हैं पौधों की या पादपों की वहीं दूसरी तरफ जो प्राणी विज्ञान होता है उसमें हम लोग बात करते हैं जीव जंतुओं की प्राणी की ठीक है किसकी बात करते हैं जंतु की बात करते हैं जंतुओं की बात करते हैं ठीक है तो जो जीव विज्ञान होता है उसे दो भागों में बांटा गया है पहला भाग है वनस्पति विज्ञान जिसे हम क्या बोलते हैं जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं पॉटनी ठीक है हिंदी के साथ साथ आप लोगों को इंग्लिश वर्ड भी सुनने की आदत डाल लेनी चाहिए ठीक है भले ही आप इनको याद ना करें पर आपको पता होना चाहिए कि वनस्पति विज्ञान को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं बॉटनी ठीक है फिर वहीं दूसरी तरफ प्राणी विज्ञान प्राणी विज्ञान को हम क्या बोलते हैं जुलॉजी तो क्या होता है जो बायोलॉजी होता है उसे दो भागों के अंदर बाँटा गया है पहला भाग है हमारा बॉटनी जिसे हम वनस्पति विज्ञान भी बोलते हैं और दूसरा भाग है जुलॉजी जिसे हम क्या बोलते हैं प्राणी विज्ञान अब हम बता बात करते हैं कि जो वनस्पति विज्ञान होता है इसके अंदर हम बात करते हैं पेड़ पौधों की किसकी बात करते हैं पेड़ पौधों की तो पेड़ पौधों की अगर हमें बात करनी है जैसे हम कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं टेंथ क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा जैव प्रक्रम चैप्टर उसके अंदर आप लोगों ने पोषण पढ़ा होगा तो आप लोगों ने पोषण पढ़ा होगा कि पौधों में पोषण किस प्रकार होता है फिर आप लोगों ने पढ़ा होगा जंतुओं में पोषण किस प्रकार होता है तो जब आप जंतुओं की बात कर रहे रहे हैं हैं तो आप किस क्या पढ़ जंतुओं की बात कर रहे हैं तो आप पढ़ रहे हैं जुलॉजी क्या पढ़ रहे हैं जुलॉजी या फिर प्राणी विज्ञान वहीं दूसरी तरफ अगर आप पौधों की बात कर रहे हैं तो आप क्या पढ़ रहे हैं आप लोग पढ़ रहे हैं वनस्पति विज्ञान और बॉटनी तो जो हमारी इलेवेंथ क्लास की बुक है उसमें दोनों चैप्टर्स मतलब के, के।, तो के और आधे चैप्टर प्राणी विज्ञान के ठीक है तो क्लियर है आप लोगों को कि हम लोग वनस्पति विज्ञान में किसकी बात करेंगे वनस्पति विज्ञान में हम बात करेंगे पेड़ पौधों की और प्राणी विज्ञान में हम लोग बात करेंगे जंतुओं की ठीक है और जो हमारी इलेवेंथ क्लास की बुक है उसके अंदर आधे चैप्टर तो है जंतुओं वाले प्राणी प्राणी विज्ञान के जुलॉजी वाले और आधे चैप्टर है पौधे वाले पादप वाले वनस्पति विज्ञान के ठीक है तो याद रखना कि जब भी हम पौधों की या पादपों के बारे में बात करेंगे तो हम किसकी बात कर रहे हैं हम क्या पढ़ रहे हैं वनस्पति विज्ञान के बारे में पढ़ रहे हैं और अगर हम किसकी बात कर रहे हैं मान लो ये कोई पर्सन है ये कोई व्यक्ति है इस व्यक्ति के पाचन की बात कर रहे हैं इस व्यक्ति के श्वसन की आप लोग टेंथ क्लास के अंदर पाचन श्वसन उत्सर्जन परिवहन ये सब अच्छे से पढ़ के आए हैं तो मान लो कि इस व्यक्ति के अंदर आप बात कर रहे हैं पाचन की किसकी पाचन की तो ये क्या है हमारा किसके अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं जुलॉजी या फिर प्राणी विज्ञान क्यों क्योंकि हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं जंतु की बात कर रहे हैं किसी व्यक्ति की बात कर रहे हैं ठीक है तो जो हमारी बायोलॉजी होती है उसे दो भागों में बांटा गया है प्राणी विज्ञान और वनस्पति विज्ञान ठीक है प्राणी विज्ञान में हम लोग बात करते हैं जंतुओं की वहीं दूसरी तरफ वनस्पति विज्ञान में हम लोग बात करते हैं पादपों की या फिर पौधों की ठीक है तो जो हमारी इलेवेंथ क्लास की बुक है उसमें आधे चैप्टर है वनस्पति विज्ञान के जिसमें हम पौधों की बात करेंगे और आधे चैप्टर है हमारे जंतु विज्ञान सॉरी हमारे प्राणी विज्ञान के जुलॉजी के जिसमें हम जंतुओं की बात करेंगे ठीक है तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्राणी विज्ञान या फिर जुलॉजी का फर्स्ट चैप्टर ठीक है देखो क्या है मैंने आपको बताया कि जो हमारी बुक है उसमें कितने मान लो जितने भी चैप्टर है उसमें से हाफ चैप्टर तो है जूलॉजी के और हाफ चैप्टर है बॉटनी के तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जूलॉजी का फर्स्ट चैप्टर किसका फर्स्ट चैप्टर जूलॉजी का फर्स्ट चैप्टर तो आज की आप क्लास में हम लोग बात करेंगे विज्ञान का chapter, का जो अंदर जो हमारा जीव विज्ञान है उसे कितने भागों में बांटा गया है दो भागों में देखो डायग्राम से आपको और क्लियर हो जाएगा कि वनस्पति विज्ञान जिसे हम क्या बोलते हैं बॉटनी भी बोलते हैं आप लोग हिंदी नाम के साथ साथ इंग्लिश नाम भी थोड़ा थोड़ा ठीक है ना क्योंकि तो ये आगे चल के आपके बहुत काम में आने वाले हैं ठीक है और फिर आता है प्राणी विज्ञान या फिर जूलॉजी। वही मैंने आपको बताया कि प्राणी विज्ञान के अंदर हम लोग किसकी बात करेंगे अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया प्राणी विज्ञान के अंदर हम बात करेंगे जंतुओं की मनुष्य की ठीक है तो हम किसकी बात करेंगे जंतुओं की या फिर इस बच्चे की ये क्या है मनुष्य है ठीक है वहीं दूसरी तरफ वनस्पति विज्ञान या फिर बॉटनी के अंदर हम किसकी बात करेंगे वनस्पति विज्ञान और बॉटनी के अंदर हम लोग बात करेंगे पादप की मान लो इस पादप के अंदर आप लोग 10th क्लास के अंदर अच्छे से पढ़ के आए होंगे जैव प्रक्रम वाला चैप्टर उसमें आपको पढ़ाया होगा श्वसन परिवहन उत्सर्जन पाचन तो जब किस में बात करेंगे जब श्वसन परिवहन पाचन उत्सर्जन किसी की भी बात अगर हम पौधे के अंदर कर रहे हैं तो वो हमारा आएगा वनस्पति विज्ञान के अंदर आप लोग सिर्फ इतना सा याद रखिए अगर पौधों की बात आ रही है तो वो हमारी बॉटनी या फिर वनस्पति विज्ञान और जंतुओं की बात आ रही है तो वो हमारी जूलॉजी प्राणी विज्ञान ठीक है तो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर जो हम क्या, हम क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग पढ़ने वाले हैं Class की जूलॉजी का फर्स्ट चैप्टर ठीक है मैंने बताया class की जो बायोलॉजी है, या फिर कोई भी है को दो भागों में जूलॉजी तो का चैप्टर आपके बुक में सोलह नंबर का चैप्टर है ठीक है तो आपकी बुक का सोलवा नंबर का चैप्टर और ज्यूलॉजी का फर्स्ट चैप्टर ठीक है ज्यूलॉजी का फर्स्ट चैप्टर और अगर आप यही चैप्टर आपकी बुक में देखेंगे तो कितने नंबर का है सिक्सटीन नंबर सोलह नंबर का चैप्टर है ठीक है तो चैप्टर का नाम क्या है चैप्टर का नाम है पाचन एवं अवशोषण ठीक है तो थोड़ा थोड़ा तो ये नाम सुन के आपके माइंड में आपको याद आ रहा होगा कि आप लोगों ने टेंथ क्लास के अंदर भी पाचन के बारे में पढ़ा है अवशोषण के बारे में पढ़ा है ठीक है जिन बच्चों को याद आ रहा है अच्छी बात है जिनको याद नहीं आ रहा है कोई बात नहीं मैं आपको अच्छे से वापस पढ़ा दूंगी ठीक है तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारी जूलॉजी का फर्स्ट चैप्टर और चैप्टर का नाम है पाचन एम अवशोषण ठीक है तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सबसे पहला वर्ड क्या दे रखा है पाचन चैप्टर का नाम क्या बताया था मैंने चैप्टर का नाम है पाचन एम अवशोषण ठीक है ये क्या है हमारे चैप्टर का नाम चैप्टर का नाम क्या है पाचन एवं अवशोषण तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पाचन के बारे में ठीक है तो फर्स्टली सबसे पहले हम इस चैप्टर में बात करेंगे पाचन के बारे में फिर हम बात करेंगे अवशोषण के बारे में ठीक है क्लियर है तो किसकी बात करेंगे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पाचन के बारे में फिर हम बात करेंगे अवशोषण की ठीक है तो देखो देखो क्या होता है कि जब हम भोजन खाते हैं या फिर भोजन को अंतर ग्रहण करते हैं तो भोजन क्या होता है बड़े बड़े जैसे बड़े बड़े मॉलिक्यूल होते हैं या फिर बड़े बड़े अणु होते हैं देखो हमने जैसे मान लो कि चपाती का एक बाइट लिया फिर उसे मुंह में रखा तो चपाती का जो बाइट था वो बहुत बड़ा था फिर जब वो बाइट हमारे मुंह में गया तो हमारे मुंह में क्या थे दांत थे उस दांत ने उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा ठीक है वही क्या है पाचन तो क्या होता है भोजन के क्या है भोजन के बड़े बड़े अणुओं को मान लो ये भोजन है भोजन के बड़े बड़े अणुओं को किसके भोजन के भोजन के बड़े भोजन के बड़े अणुओं को भोजन के बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणु में विभाजित करना किसमें छोटे छोटे अणु में क्या कहलाता है हमारा पाचन तो सिंपल सी बात है कि पाचन क्या है बड़े अणुओं को तोड़कर छोटे अणुओं का निर्माण करना ठीक है तो बड़े अणु भोजन के बड़े बड़े अणुओं से छोटे अणु का निर्माण करना क्या कहलाता है हमारा पाचन कहलाता है ठीक है तो भोजन के बड़े बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में परिवर्तित करना क्या कहलाता है पाचन कहलाता है और इसे छोटे छोटे अणुओं में क्यों परिवर्तित किया जाता है क्यों ताकि ये जो हमारा रक्त होता है हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है रक्त होता है उसके अंदर यह जो छोटे छोटे भोजन के अणु है यह हमारे रक्त में आसानी से घुल जाए ठीक है तो इसे छोटे अणुओं में क्यों परिवर्तित किया जाता है ताकि यह हमारे रक्त में आसानी से घुल जाए ठीक है ठीक है तो पाचन क्या होता है भोजन के बड़े बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में विभाजित किया जाता है ताकि वह रुधिर में रक्त में आसानी से घुल जाए और फिर वह रक्त से कहाँ जाएंगे जहाँ पर उसकी जरूरत होगी भोजन की और भोजन हम क्यों खाते हैं भोजन हम इसलिए खाते हैं क्यों क्योंकि भोजन से हमें क्या चाहिए होती है ऊर्जा चाहिए होती है ठीक है तो भोजन का भोजन लेने का मेन मोटिव क्या है हमें क्या चाहिए ऊर्जा चाहिए ठीक है तो भाई भोजन को क्या करना हमने भोजन को लिया ठीक है भोजन को मुख में लिया तो भोजन को हमने मुख में ले लिया अब उसके बाद में उसका क्या हो सकता है वो हमारे रक्त में नहीं घुल सकता क्यों क्योंकि वो बहुत बड़े बड़े अणु हैं तो क्या होता है भोजन के बड़े बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में परिवर्तित किया जाता है ठीक है और भोजन के बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में परिवर्तित करना ही क्या कहलाता है हमारा पाचन कहलाता है ठीक है भोजन के बड़े बड़े अणुओं या फिर जटिल अणुओं को छोटे छोटे या फिर सरल अणुओं में परिवर्तित करना ही क्या कहलाता है हमारा पाचन कहलाता है ठीक है और जब ये छोटे अणु में परिवर्तित होते हैं तो इसे छोटे अणु में परिवर्तित करके या फिर छोटे अणु में परिवर्तित इसलिए किया जाता है क्यों क्योंकि यह हमारे रक्त में आसानी से घुल जाए ठीक है अब जब यह हमारे रक्त में घुल जाएगा तो जहाँ पर भी इसकी जरूरत होगी वहाँ पर यह भोजन चला जाएगा ठीक है मान लो कि हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्या है हमारे ब्रेन के अंदर है तो ये क्या करा है ये भोजन कहाँ चला गया हमारे रक्त में चला गया अब रक्त को पता है कि हमारे ब्रेन में या फिर हमारे मस्तिष्क में क्या चाहिए भोजन चाहिए तो वहाँ पर वो भोजन ले जाएगा और फिर वहाँ भोजन से क्या होगा श्वसन होगा या फिर उससे क्या ले ली जाएगी ऊर्जा ले ली जाएगी ठीक है तो इनडायरेक्टली भोजन से क्या ले जाती है ऊर्जा इस ऊर्जा के लिए ही हमने क्या करा इस ऊर्जा के लिए हमने भोजन को ग्रहण करा था ठीक है तो पाचन की डेफिनेशन क्या होती है बड़े बड़े अणुओं को मतलब भोजन के बड़े बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में परिवर्तित किया जाता है और वही क्या कहलाता है पाचन किया जाता है अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि उसे छोटे अणुओं में परिवर्तित क्यों किया जाता है तो उसे छोटे अणुओं में इसलिए परिवर्तित किया जाता है ताकि वह रक्त में आसानी से घुल जाए और उसके बाद में उससे क्या मिलेगी एल मिलेगी ऊर्जा मिलेगी ठीक है तो देखो क्या होता है बड़ी अणुओं को या फिर बड़े अणुओं को परिवर्तित किया जाता है छोटे अणुओं में ठीक है ये बड़े अणु है बड़े अणुओं को परिवर्तित किया जाता है छोटे अणुओं में ताकि वह रुधिर में घुलनशील हो ताकि वह हमारे रुधिर में घुल सके आसानी से और उससे हमें क्या मिलेगी फिर उससे हमें मिलेगी ऊर्जा ठीक है तो पाचन क्या होता है भोजन के बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में परिवर्तित करना और ताकि वह रक्त में आसानी से घुल सके और उससे हमें क्या मिलती है ऊर्जा मिलती है ठीक है तो अब हम लोग बात करते हैं किसकी डेफिनेशन की पाचन की डेफिनेशन की ठीक है तो आई होप आप लोगों को डेफिनेशन में अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी देखो चलो अब पढ़ते हैं डेफिनेशन देखो सबसे पहले क्या है पाचन ठीक है तो पाचन की डेफिनेशन पढ़ते हैं जटिल पोषक पदार्थों को वही है पोषक पदार्थ भोजन ठीक है तो जटिल मतलब बड़े बड़े अणुओं को तो जटिल ये हमारे जटिल पोषक पदार्थों को ये हमारा जटिल पोषक पदार्थ या फिर ये हमारा जटिल पोषक पदार्थ या फिर भोजन के जो बड़े बड़े अणु हैं वो है तो जटिल पोषक पदार्थों का को अवशोषण योग्य ताकि उनका अवशोषण हो सके मतलब वो रक्त में जा सके ठीक है ताकि वो रक्त के अंदर जा सके तो जटिल पोषण पदार्थों को अवशोषण योग्य सरल रूप में परिवर्तित करना क्या कर रहा है ये ये ऐसे बोल रहा है कि जो जटिल पोषक पदार्थ है उसे किसने परिवर्तित करना सरल रूप में ठीक है और जब उसे सरल रूप में परिवर्तित कर देते हैं तो क्या होता है जब उसे सरल रूप में परिवर्तित कर देते हैं तो उसका क्या हो जाता है अवशोषण हो जाता है ठीक है क्या होगा उसका अवशोषण मतलब वो कहा चला जाएगा रक्त में चला जाएगा ठीक है तो ये डेफिनेशन क्या बोल रही है जटिल पोषण पदार्थों को अवशोषण योग्य सरल रूप में परिवर्तित करने की क्रिया ठीक है सरल रूप में परिवर्तित करने की क्रिया को क्या कहते हैं पाचन कहते हैं समझ में आ रहे हैं वर्ड टू वर्ड जाइए जटिल पोषण पदार्थ को अवशोषण योग्य सरल रूप में परिवर्तित करना मतलब जो जटिल पदार्थ है उसे किस में परिवर्तित करना सरल रूप में परिवर्तित करना ताकि उनका क्या हो सके अवशोषण हो सके मतलब वो किसके योग्य बन जाए अवशोषण योग्य मतलब क्या हो सके उनका अवशोषण या फिर वो रक्त के अंदर घुल सके या फिर रक्त के अंदर चला जाए तो पाचन क्या होता है जटिल पोषण पदार्थों को अवशोषण योग्य सरल रूप में परिवर्तित होने की क्रिया को हम क्या कहते हैं पाचन कहते हैं या फिर जटिल अणुओं को भोजन के जटिल अणुओं को सरल अणुओं में रूपांतरित होने की क्रिया को हम क्या कहते हैं पाचन कहते हैं ताकि वह क्या हो सके इनको सरल अणुओं में क्यों परिवर्तित किया है इसे सरल अणुओं में परिवर्तित इसीलिए किया है ताकि यह हमारे रक्त में आसानी से घुल सके ठीक है तो आई होप डेफिनेशन क्लियर होगी सिंपल सी डेफिनेशन है कि जो जटिल पदार्थ है उनको क्या बनाना है सरल पदार्थ में और इन्हें सरल पदार्थ में इसीलिए बनाना है ताकि ये क्या हो रक्त में आसानी से घुल जाए और कोई भी चीज रक्त में आसानी से घुलेगी उसे हम क्या बोलते हैं अवशोषण बोलते हैं ठीक है थीके? तो अब हम बात करते हैं आगे क्लास के अंदर पढ़ाया जाता है कि जो हमारा पोषण होता है जो या फिर जंतुओं के अंदर पोषण जो होता है पांच चरणों के अंदर होता है ठीक है मोस्टली बच्चों को सबको पता होता है पर जिन बच्चों को नहीं पता है उन्हें एक बार रिकॉल करा देते हैं ताकि जब ये हम चैप्टर पढ़ेंगे तो आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी ठीक है ठीक है तो मतलब मैं चाहती हूँ कि आप लोग जब चैप्टर पढ़ें तो आप लोगों को कोई भी वर्ड उनके माइंड में डाउट नहीं आना चाहिए कि यार ये तो हमने टेंथ क्लास में नहीं पढ़ा था तो और अभी हमें नहीं आ रहा है ठीक है तो मैं इसको एक बार रिकॉल करा रही हूँ अच्छे से देखिएगा ये लोग वैसे तो ये चीज़ टेंथ क्लास में पढ़ा दी जाती है ठीक है तो सबसे पहले हम बात करते हैं मनुष्य में पोषण पाँच चरणों में संपन्न होते हैं आप मनुष्य बोलिए या फिर कोई भी जंतु की बात करिए तो जंतुओं के अंदर जो हमारा पोषण होता है जंतुओं के अंदर पोषण कितने चरणों में संपन्न होता है जंतुओं के अंदर पोषण पांच चरणों में संपन्न होता है ठीक है तो आप क्या बात हम मनुष्य की जगह जंतु भी समझ सकते हैं तो जंतुओं के अंदर पोषण कितने चरणों में संपन्न होता है पांच चरणों में ठीक है तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पांच चरण कौन कौन से हैं ठीक है तो सबसे पहला चरण है अंतर्ग्रहण पहला चरण क्या है अंतर्ग्रहण दूसरा चरण क्या है पाचन ठीक है फिर आता है तीसरा चरण अवशोषण ठीक है फिर आता है चौथा चरण स्वंगीकरण और पांचवा चरण बहिष्क्षिपण तो जो हमारा पाचन होता है या फिर जो पोषण होता है मनुष्य के अंदर या फिर जंतुओं के अंदर पोषण कितने चरणों में होता है पांच चरणों में पहला चरण क्या होता है अंतर्ग्रहण दूसरा पाचन तीसरा अवशोषण चौथा क्या होता है स्वांगीकरण और पांचवा बहिष्क्षेपण तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अंतर्ग्रहण क्या होता है मान लो ये कोई पर्सन है ये क्या है ये कोई व्यक्ति है अब क्या होता है जैसे हम लोगों ने खाना लिया ठीक है तो हम लोगों ने क्या ली एक बाइट चपाती ले ली ठीक है तो चपाती ली उसको अपने मुंह के अंदर रखा ठीक है अपने मुंह के अंदर रखा तो तो उसको क्या कर 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 लिया 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 हमने ग्रहण मतलब अपने अंदर ठीक है तो भोजन को अपने मुख के अंदर ग्रहण करना क्या कहलाता है हमारा अंतर्ग्रहण तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है भोजन को अंतर्ग्रहण करना मतलब भोजन को शरीर के अंदर प्रवेश करना ठीक है तो अंतर्ग्रहण क्या होता है जो मान लो ये व्यक्ति है इसने क्या करा कोई भी मान लो चावल खाए तो चावल का एक चम्मच अपने मुंह में रख लिया ठीक है तो वह क्या कर लाएगा इसका अंतर्ग्रहण भोजन का इसने क्या कर लिया है अंतर्ग्रहण कर लिया है मतलब भोजन को इसने अपने मुंह के अंदर ले लिया है ठीक है मुंह के अंदर रखा है सिर्फ ठीक है अब क्या करता है ये क्या करता है उसने भोजन को मतलब जिसने जो चावल खाए थे उसको अपने मुंह में रख लिया अब उसको क्या करता है धीरे धीरे चबाना स्टार्ट करता है मतलब उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है तो और भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना ही क्या कहलाता है हमारा पाचन कहलाता है ठीक है हम हमारे मुंह के अंदर हम क्या कर रहे हैं हम लोग अगर मुंह के अंदर हम लोगों ने कुछ भी खाया तो हमने क्या करा उसको चबाना स्टार्ट किया मतलब उसे छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित किया क्लियर है तो क्या होता है सबसे पहले तो क्या किया जाता है भोजन को शरीर के अंदर रखा जाता है मतलब भोजन को ग्रहण किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं अंतर्ग्रहण फिर आता है भोजन के बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में परिवर्तित किया जाता है मतलब हमारे दांतों के द्वारा भोजन को चबाया जाता है और उसे छोटे अणुओं में परिवर्तित किया जाता है ठीक है अपने आप से आप कनेक्ट करिए कि हम लोगों ने खाना लिया या फिर कोई भी चॉकलेट वगैरह कुछ ली अपने मुंह के अंदर रखा तो उसे वो हमारे शरीर के अंदर गया तो उसे हमने बोला अंतर्ग्रहण फिर हम लोगों ने क्या कर हमारे दांतों से उसे छोटे छोटे टुकड़े किए दांत क्या करते हैं भोजन को चबाते ही तो दांतों से उसके छोटे छोटे टुकड़े किए तो वह क्या कहलाता है हमारा पाचन, पाचन है अब अब क्या हो गया? हो गया गया, उसके बाद में जब वो छोटे-छोटे टुकड़े हो गए उसके, तो अब उसके बाद में क्या हुआ उसका क्या हो गया अवशोषण हो गया मतलब जहां पर भी उसकी जरूरत थी वो वहां पर चला गया मतलब क्या हुआ कि उसका पाचन हुआ अब पाचन के बाद में वो कहा चला गया हमारे रक्त में अब रक्त से मान लो जहाँ पर भी भोजन की जरूरत थी जहाँ पर भी क्या जरूरत थी भोजन की जरूरत थी तो वहां पर चला गया मान लो हमारे मस्तिष्क की कोशिकाओं को क्या जरूरत थी भोजन की जरूरत थी ठीक है तो वो वहां पर चला गया ठीक है तो ये भोजन जो होता है कहाँ से हमारे आहार नाल से अवशोषण होता है इसका रक्त में मिलता है और कहाँ पर चले जाता है जहां पर इसकी जरूरत होती है ठीक है तो वह क्या कहलाता है हमारा अवशोषण मान लो कहां पर चला गया हमारे मस्तिष्क में चला गया ब्रेन में चला गया ठीक है अब वो भोजन मस्तिष्क के अंदर उस भोजन से क्या ली जाती है ऊर्जा ली जाती है उस भोजन से क्या ली जाती है ऊर्जा इसी के लिए तो हम लोगों ने भोजन खाया था इसी के लिए तो हमने यहाँ से यहाँ तक का प्रोसेस किया हम लोग भोजन क्यों खाते हैं हम लोग भोजन इसलिए खाते हैं क्योंकि हमें उसे चाहिए होती है ऊर्जा चाहिए होती है ठीक है तो सबसे पहले क्या होता है अंतर्ग्रहण मतलब भोजन को अपने मुख के अंदर रखना फिर आता है पाचन भोजन के बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में परिवर्तित करना फिर आता है अवशोषण पचित भोजन रक्त में घुलनशील होकर जहां पर उसकी जरूरत होती है वहां पर चला जाता है ठीक है फिर आता है भोजन से ऊर्जा प्राप्त करना ठीक है भोजन से ऊर्जा प्राप्त करना क्या कहलाता है हमारा स्वांगीकरण भोजन से ऊर्जा प्राप्त करना हमारा स्वांगीकरण फिर आता है पांचवा स्टेप बहिर तो बहिर्ेपण क्या होता है ऐसा भोजन जो हमने भोजन खाया है अब ये जरूरी तो नहीं कि सारा भोजन हमारे लिए उपयोगी होगा कुछ ऐसा भोजन होता है जो हमारे शरीर के लिए अनावश्यक होता है अनुपयोगी होता है ठीक है तो कुछ ऐसा भोजन भी होता है जो हमारे शरीर के लिए अन आवश्यक होता है अन उपयोगी होता है तो उस भोजन को क्या कर दिया जाता है शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है उस भोजन को क्या करते हैं शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है ठीक है क्लियर है तो एग्जाम्स के अंदर ये पूछते नहीं है फिर भी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर ये सीरीज पूछ ली जाती है ठीक है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा जाता है है कि जो जो मनुष्य में पोषण होता उसके चरण होते हैं तो क्या होते हैं तो हमेशा याद रखना कि पहला चरण क्या होता है अंतर ये सीरीज ऐसे होती है ठीक है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे बहुत बार बना हुआ है कि जो होता है पोषण का क्रम बताइए तो पोषण का क्रम जो होता है वो यही होता है सबसे पहला होता है अंतर्ग्रहण फिर होता है पाचन दूसरा होता है अवशोषण सॉरी तीसरा और चौथा होता है स्वांगीकरण और पांचवा होता है बहिष्क्षेपण ठीक है तो याद रखिएगा कि इससे जो होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज्यादा है, होते हैं ठीक है ये पांचों ऑप्शन देते हैं मतलब इसको एक ऑप्शन होता है इसको इसको उल्टा सीधा करके दे दिया जाता है ठीक है मान लो कि एक ऑप्शन के अंदर पाचन को फर्स्ट नंबर पे दे दिया एक ऑप्शन के अंदर पाचन को थर्ड नंबर पे दे दिया एक ये करेक्ट दे दिया और एक ऑप्शन में पाचन को फाइव नंबर पे दे दिया ठीक है तो आप लोगों को सीरीज याद होनी चाहिए कि सबसे पहले हम भोजन को ग्रहण करेंगे उसे हम बोलते हैं अंतर्ग्रहण फिर हम उसको क्या करते हैं पाचन करते हैं छोटे छोटे अणुओं में परिवर्तित करते हैं फिर हम उसे वहां पर पहुंचाते हैं जहां पर उसकी जरूरत होती है वो क्या होता है अवशोषण और फिर चौथा स्टेप आता है फिर हम उस भोजन से क्या लेते हैं ऊर्जा इसे हम क्या बोलते हैं स्वांगीकरण और अंत में अनावश्यक भोजन को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है ठीक है तो जो पोषण होता है वो इन पांच चरणों के अंदर संपन्न होता है ठीक है तो इससे जनरली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं अब हम लोगों ने स्टार्ट किया था पाचन पाचन की डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ी थी तो अब हम बात करते हैं मनुष्य के अंदर जो पाचन होता है वो कहाँ पर होता है मनुष्य के अंदर पाचन जो होता है वह आहार नाल में होता है ठीक है मनुष्य के अंदर पाचन आहार नाल में होता है या फिर मनुष्य के अंदर पाचन आहार नाल तथा सहायक ग्रंथियों के द्वारा होता है ठीक है देखो सबसे पहले हम बात करते हैं पाचन तंत्र ठीक है मतलब पाचन के लिए या फिर मनुष्य के अंदर पाचन के लिए एक अलग से तंत्र होता है ठीक है या फिर मान लो ये तंत्र या फिर बहुत इस तंत्र के अंदर क्या होता है तंत्र के अंदर क्या होता है तंत्र के अंदर होते हैं बहुत सारे अंग ठीक है दो से या फिर एक से ज्यादा अंग होते हैं तो इसके अंदर क्या होते हैं तंत्र में आता है बहुत सारे अंग ठीक है तंत्र में यही होता है कि बहुत सारे अंग तो अब हम बात करते हैं ऐसा तंत्र जिसके अंदर क्या है जो अंग है वो क्या काम कर रहे हैं पाचन का ये सारे अंग क्या काम करते हैं पाचन का तो इसे हम क्या बोलते हैं पाचन तंत्र मनुष्य के अंदर पाचन पाचन तंत्र के अंदर संपन्न होता है उस पाचन तंत्र में बहुत सारे अंग होते हैं और वो सारे अंग क्या काम करते हैं वो सारे अंग ही क्या करते हैं पाचन का काम करते हैं ठीक है तो मनुष्य के अंदर पाचन कहाँ पर होता है पाचन तंत्र में होता है पाचन तंत्र मतलब तंत्र मतलब क्या होता है बहुत सारे अंग होते हैं और कौन सा तंत्र है पाचन तंत्र तो मतलब ये सारे अंग क्या काम करते हैं यह है सारे अंग कार्य करते हैं किसका पाचन का तो याद रखना मनुष्य के अंदर पाचन कहाँ पर होता है मनुष्य के अंदर पाचन जो होता है पाचन तंत्र के अंदर होता है ठीक है पाचन तंत्र मतलब ऐसा तंत्र जिसके अंदर जो अंग उपस्थित है जितने भी अंग उपस्थित हैं वो सारे अंग क्या कार्य करते हैं वह सारे के सारे अंग क्या कार्य करते हैं पाचन का कार्य करते हैं ठीक है क्लियर है तो यह है कि मनुष्य के अंदर पाचन क्या होता है पाचन तंत्र में संपन्न होता है अब हम लोग पढ़ने जाने वाले हैं पाचन तंत्र के बारे में ठीक है तो मनुष्य का पाचन तंत्र आहार सहायक ग्रंथियों से मिलकर बना हुआ होता है ये क्या लाइन में क्या बोला गया है लाइन के अंदर बोला गया है क्या है देखो मनुष्य का पाचन तंत्र आहार नाल से मिलकर बना हुआ है ठीक है तो जो हमारा पाचन तंत्र होता है उसके कितने भाग होते हैं पाचन तंत्र के कितने भाग है पाचन तंत्र के दो भाग है पहला है आहार नाल और दूसरा है सहायक ग्रंथियां ठीक है तो जो मनुष्य का पाचन तंत्र होता है वो किससे मिलकर बना हुआ होता है आहार नाल और सहायक ग्रंथियों से तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आहार नाल की फिर हम लोग बात करेंगे सहायक ग्रंथियों की ठीक है तो क्या बात करेंगे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आहार नाल की और फिर हम लोग बात करेंगे सहायक ग्रंथियों की ठीक है क्लियर है तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमारी आहार नाल ठीक है आहार नाल को आप एक चीज समझ सकते हो कि आहार नाल क्या होती है कोई भी कैनाल होती है कोई भी गुहा होती है मतलब ऐसी गुहा या फिर ऐसी ट्यूब जिसकी कितनी ओपनिंग होती है दो ओपनिंग होती है मान लो ये कोई ट्यूब है इसकी कितनी ओपनिंग है दो ओपनिंग है ठीक है तो आहार नाल क्या होती है एक गुहा होती है उसकी कितनी ओपनिंग होती है दो ओपनिंग होती है ठीक है तो इसकी दो ओपनिंग के कारण ही मतलब एक तो ये यहाँ से खुल रही है और एक ये यहाँ से खुल रही है इसकी दो ओपनिंग होने के कारण ही इसे क्या बोलते हैं नाल बोलते हैं आहार नाल यदि इसकी एक ओपनिंग होती तो इसे हम नाल नहीं बोलते या फिर हम इसे बोल देते कोई ट्यूब बोलते थे ठीक है तो इसकी कितनी ओपनिंग है दो ओपनिंग दो ओपनिंग होने के कारण ही इसे हमने क्या बोला आहार नाल ठीक है तो सबसे पहले क्या होता है आहार नाल के बारे में बात करते हैं आहार नाल क्या होता है आहार नाल क्या होता है कोई ट्यूब होती है या फिर आ बात कर सकते हो कोई नाल होती है या तो फिर कोई गुहा होती है उसके अंदर ही क्या होता है हमारा पाचन होता है ठीक है तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्या होता है आहार नाल तो आहार नाल को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं आहार नाल को हम इंग्लिश में बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल ठीक है तो इंग्लिश वर्ड भी याद करिए कैनाल ठीक है तो आहार नाल को हम इंग्लिश में बोलते हैं कैनाल ठीक है सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मैंने आपको बताया आहार नाल क्या है कोई भी ट्यूब है लो कोई ट्यूब है ठीक है जिसकी कितनी ओपनिंग है दो तो आहार नाल का भाग मुख से प्रारंभ होकर पश्चिम गुदा में स्थित गुदा द्वार बाहर की ओर खुलता है मतलब जो हमारी आहार नाल होती है वह कहाँ से प्रारंभ होती है मुख से ठीक है कहाँ से मुख से और कहां पर खत्म होती है गुदा द्वार पर पर तो आहार नाल मुख से शुरू होकर द्वार खत्म होती है ठीक है तो आहार नाल का अग्र भाग क्या होता है हमारा मुख होता है तो आहार नाल का अग्र भाग मुख से प्रारंभ होता है तथा उसका जो पश्चिम भाग होता है उसका जो अंतिम भाग होता है वो कहाँ पर गुदा द्वार द्वारा बाहर की तरफ निकलता है आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं कि आहार नाल जो होती है वह मुख से प्रारंभ होकर गुदा द्वार पर समाप्त होती है ठीक है तो हमारी आहार नाल क्या होती है हमारी जो आहार नाल होती है मुख से प्रारंभ होकर गुदा द्वार पर खत्म होती है ठीक है यही भाग यहां लिख यही बात यहां लिखिए कि आहार नाल का अग्र भाग मुख से प्रारंभ होकर पश्चिम भाग में इससे गुदा द्वार द्वारा बाहर की तरफ खुलती है तो आहार नाल क्या के बारे में अगर पूछे तो आहार नाल क्या होती है आहार आहार क्या होता है? आहार नाल का अग्र भाग मुख से प्रारंभ होता है और कहाँ पर समाप्त होता है गुदा द्वार में यही लिखा है आता है एलिमेंट्री कैनाल या फिर आहार नाल की कितनी ओपनिंग होती है दो ओपनिंग होती है मतलब वो दो बार क्या होती है बाह्य वातावरण में खुलती है ठीक है दो ओपनिंग होती है मतलब पहली ओपनिंग कहाँ पर होती है मुख ठीक है और दूसरी ओपनिंग कहाँ पर होती है गुदा द्वार पर इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल इसे कैनाल इसलिए बोला जाता है क्यों अगर कोई पूछे कि इसे कैनाल क्यों पूछा जाता है बहुत बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना है कि इसे कैनाल क्यों बोला जाता है तो इसे कैनाल इसीलिए बोला जाता है क्यों क्योंकि इसकी कितनी ओपनिंग होती है दो ओपनिंग होती है इस दो ओपनिंग के कारण ही इसे हम क्या बोलते हैं कैनाल बोलते हैं और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि इसको हम आहार नाल को हम कैनाल क्यों बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल क्यों बोला जाता है आहार नाल क्यों बोला जाता है नाल वर्ड का या फिर कैनाल वर्ड का जो यूज होता है वो क्यों किया जाता है तो इस वर्ड का यूज इसलिए किया जाता है क्यों क्योंकि इसकी कितनी ओपनिंग होती है इसकी दो ओपनिंग होती है कितनी दो ओपनिंग इसकी दो ओपनिंग होती है इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं कैनाल बोलते हैं ठीक है, है और पहली ओपनिंग कहाँ होती है मुख में और दूसरी गुदा द्वार में तो आहार नाल जो होती है मुख से प्रारंभ होकर गुदा द्वार पर समाप्त होती है क्लियर है यही इसकी डेफिनेशन है आहार नाल की और इसे आहार नाल क्यों बोलते हैं ये भी क्लियर है इसे आहार नाल इसलिए बोला जाता है क्यों क्योंकि इसकी दो ओपनिंग होती है ठीक है और जो आहार नाल है वो क्या है आहार नाल जो होता है मुख से प्रारंभ होकर कहां पर समाप्त होता है गुदा द्वार पर ठीक है तो देखो इस डायग्राम के अंदर आप देखेंगे कि ये जो ये डायग्राम देखो आप लोग ये डायग्राम में ये जो ये पिंक कलर से बना हुआ है ये क्या है हमारी आहार नाल है ये हमारी क्या है पूरी आहार नाल ठीक है तो ये क्या है हमारी पूरी आहार नाल यह है हमारी आहार नाल तो मैंने अभी बताया कि आहार नाल मुख से प्रारंभ होती है ये क्या है हमारा मुख माउथ मुख से प्रारंभ होकर कहां पर समाप्त होती है ये क्या है हमारा गुदा द्वार मुख से प्रारंभ होकर गुदा द्वार पर समाप्त होती है ठीक है तो इस डायग्राम में ये जो आपको पिंक कलर का पूरी स्ट्रक्चर दिख रही है ये क्या है हमारी आहार नाल और ये आहार नाल कहाँ से प्रारंभ हो रही है यह आहार नाल मुख से प्रारंभ होकर मुख से प्रारंभ होकर एनस में या फिर गुदा द्वार दुआर द्वारा दुआर समाप्त होती है ठीक है और इनकी इन्हीं दो ओपनिंग के कारण इसे क्या कहते हैं हम कैनाल कहते हैं गुहा कहते हैं ठीक है थीके? तो अब हम लोगों ने बात तो कर ली कि आहार नाल क्या होती है अब हम लोग बात करने वाले आहार नाल के भाग की ठीक है कि आहार नाल जो होता है मैंने अभी आपको ये डायग्राम दिखाया देखो ये डायग्राम है इस डायग्राम के अंदर आपको बहुत सारे ऑर्गन या फिर बहुत सारे अंग दिख रहे होंगे तो आप लोग को पता होना चाहिए कि आहार नाल किन किन से मिलकर बनी हुई है किन किन अंगों से मिलकर हमारी जो आहार नाल है वह बनी हुई है ठीक है तो सबसे पहले अब हम लोग बात करते हैं हमारी आहार नाल जो है वह किन से मिलकर बनी हुई है तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आहार नाल के कौन कौन से भाग हैं ठीक है तो अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आहार नाल के भाग की कि आहार नाल के कौन कौन से भाग है तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आहार नाल कहाँ से प्रारंभ होती है मुख से और कहाँ पर समाप्त होती है गुदा द्वार पर तो आहार नाल का पहला भाग क्या होगा हमारा मुख क्यों क्योंकि मैंने आपको बताया कि आहार नाल का जो पहला भाग मुख क्यों होगा क्योंकि जो हमारी आहार नाल कहाँ से प्रारंभ होती है हमारी आहार नाल जो है प्रारंभ मुख से होती है तो इसका पहला भाग क्या होगा मुख होगा मुख और हमारी आहार नाल पर समाप्त होती है गुदा द्वार पर तो आहार नाल का अंतिम भाग क्या होगा गुदा द्वार देखो अंतिम भाग क्या है इसका गुदा द्वार तो हमारी आहार नाल के कौन कौन से भाग होते हैं पहला भाग होता है मुख दूसरा होता है मुख गुहा ठीक है पहला भाग होता है मुख दूसरा होता है मुख गुहा हमारे हम मुंह को खोलते हैं आ करके देखो अंदर जो कैविटी है अंदर जो गुहा है उसे हम बोलते हैं मुख गुहा फिर आता है थर्ड नंबर पे ग्रसनी तो आहार नाल किस किस के मिलकर बनी हुई है पहले नंबर पे मुख दूसरे नंबर पर मुख गुहा तीसरे नंबर पर ग्रसनी चौथे नंबर पर ग्रसिका पांचवें नंबर पर आमाशन पांचवे नंबर पर क्या है आमाशय, छठे नंबर पर है छोटी आंत, सातवें नंबर पर है बड़ी आंत और आठवें नंबर पर है गुदा द्वार तो इन सब से मिलकर क्या बनी हुई है इन सब से मिलकर हमारी आहार नाल बनी हुई है ठीक है हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल है वह किनसे मिलकर बनी हुई है हमारी एलिमेंट्री कैनाल या आर नाल इन से मिलकर बनी हुई है ठीक है तो पहला भाग क्या है मुख दूसरा भाग है मुख गुहा तीसरा है ग्रस्ती चौथा है ग्रसिका पांचवा है आमाशय छठा है छोटी आंत सातवा है बड़ी आंत और आठवां है गुदा द्वार ठीक है अब हम इसको एक बार इंग्लिश में भी देख लेते हैं तो सबसे पहला मुख को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में माउथ मुख को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं माउथ मैं आपको इंग्लिश नाम इसलिए बता रही हूँ ताकि अगर आप कभी सुने तो, तो आपको थोड़ा ऑफवर्ड नहीं लगे ठीक है मुख को हम इंग्लिश में बोलते हैं माउथ तो एलिमेंट्री कैनाल से से स्टार्ट होती है हमारे माउथ फिर मुख गुआ, मुख गुआ को हम बोलते हैं बकल कैविटी या फिर ओरल कैविटी ठीक है फिर आता है ग्रसनी ग्रसनी को हम बोलते हैं फेरिंग्स क्या बोलते हैं फेरिंग्स फिर आता है ग्रसिका ग्रसिका को हम बोलते हैं ईसो क्या बोलते हैं ईसो फेगस फिर आता है आमाशय जिसे हम बोलते हैं स्टमक आमाशय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं स्टमक ठीक है फिर आती है हमारी छोटी आंत छोटी आंत को हम बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन क्या बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी मतलब स्मॉल और इंटेस्टाइन मतलब आंत फिर आती है हमारी बड़ी आंत तो बड़ी आंत को हम बोलते हैं बड़ी आंत को हम क्या बोलते हैं बड़ी मतलब लार्ज लार्ज इंटेस्टाइन ठीक है और आठवें नंबर पर आता है गुदा द्वार गुदा द्वार को हम बोलते हैं एनस तो जो हमारा आहार नाल होता है वह इन आठों चीजों से मिलकर बना हुआ होता है ठीक है अब हम लोग बात करते हैं कि डायग्राम के अंदर ये सब चीजें कैसे दिखती है तो देखते हैं देखो अभी मैंने आपको बताया कि जो हमारी आहार नाल है उसके कितने भाग हैं आहार नाल के टोटल आठ भाग है ठीक है पहला भाग मैंने आपको बताया मुख ये क्या है इसका पहला भाग मुख ठीक है अब मुख के अंदर जो गुहा है ये जो स्ट्रक्चर है इसे हम बोलते हैं मुख गुहा ये क्या है हमारी मुख गुहा तो जब भी हम भोजन लेंगे सबसे पहले भोजन कहाँ जाएगा हमारे मुख में जाएगा मुख के बाद में भोजन कहाँ जाएगा हमारे मुख गुहा में ठीक है आहार नाल के दूसरे भाग में आहार नाल का काम क्या है भोजन का पाचन करना ठीक है हमारे पाचन का काम कौन कर रहा है मनुष्य के अंदर हमारी आहार नाल तो हमारी आहार नाल के कितने भाग है भाग है ठीक है तो इन आठ भाग के बारे में मैंने आपको बताया कि पहला मुख हो गया दूसरा ग्रसनी सॉरी मुख गुहा हो गया तीसरा ग्रसनी हो गया चौथा ग्रसिका हो गया पांचवा आमाशय हो गया फिर आ गया छोटी आंत बड़ी हाथ और एन के द्वारा बाहर निकल जाएगा ठीक है तो भोजन सबसे पहले छोटी आंत के पहले भाग में जाएगा कहा मुख में तो ये हमारा हो गया छोटी आंत का पहला भाग ये दूसरा भाग और ये क्या है हमारा छोटी आंत का तीसरा भाग ग्रसनी क्या है तीसरा भाग क्या है छोटी आंत का ग्रसनी ये क्या है ग्रसनी फिर आता है ग्रसिका सॉरी आहार नाल का चौथा भाग ठीक है अभी इन सब के बारे में अपन लोग अच्छे से पढ़ेंगे पर पहले आप याद रखें कि आहार नाल के कितने भाग होते हैं आहार नाल के आठ भाग होते हैं पहला मुख दूसरा मुख गुहा तीसरा ग्रसनी चौथा ग्रसिका पांचवा ये जो आपको दिख रही है स्ट्रक्चर ये क्या है पांचवा अमाश्य स्टमक ठीक है फिर आता है छठा छोटे आंत सॉरी छठा भाग है छोटी आंत, ठीक है फिर ये दे रखी है, ये तो हमारी हो गई छोटी आंत, ये है हमारी बड़ी आंत सातवें नंबर और ये है हमारा आठवां नंबर का एनस या फिर गुदा द्वार ठीक है तो हमारी आहार नाल जो है इन सबसे मिलकर बनी हुई है सबसे पहले आता है मुख फिर आती है मुख गुहा फिर क्या आता है ग्रसनी फिर आता है ग्रसिका ग्रसनी के बाद में ये जो ग्रसिका ग्रसिका के बाद में आता है हमारा आमाशय आमाशय के बाद में आता है छोटी आंत और छोटी आंत के बाद में आता है ये जो बड़ी आंत ठीक है तो जब भी हम भोजन ग्रहण करेंगे तो भोजन सबसे पहले कहाँ जाएगा भोजन सबसे पहले जाएगा हमारी आहार सबसे तो पहली बात तो कि हमारा भोजन जो हमारा भोजन का पाचन है वह कहाँ पर हो रहा है आहार नाल में तो हमारा भोजन कहाँ पर जाएगा हमारे आहार नाल में तो आहार नाल के कौन से भाग में भोजन जाएगा सबसे पहले जब हम भोजन ग्रहण करेंगे तो हमारा भोजन जाएगा आहार नाल के मुख में ठीक है आहार नाल के मुख भाग में तो सबसे पहले भोजन कहाँ गया हमारे मुख में यहाँ पर भोजन गया यहाँ पर क्या गया भोजन गया सबसे पहले भोजन कहाँ जाएगा हमारे मुख में भोजन मुख में गया फिर गया मुखगुहा में फिर मुख गुआ से ग्रसनी से होते हुए कहाँ गया ग्रसिका में ठीक है मुख से कहाँ गया मुख गुहा में मुख गुहा से ग्रसनी में ग्रसनी से कहाँ गया ग्रसिका से होते हुए कहाँ गया आमाशय में क्लियर है कि भोजन हमारी ग्रसनी से होते हुए ग्रसिका में गया और ग्रसिका के बाद में कहा गया अमाश्य में गया में जाने के बाद में भोजन कहां गया छोटी आंत में यहाँ गया ठीक है छोटी आंत में में जाने के बाद भोजन कहां गया हमारी इस बड़ी बड़ी आंत आंत में। में और में जाने के बाद में भोजन जो अपचित भोजन था या फिर अनावश्यक भोजन जो क्या होता है वह है एनस के द्वारा या फिर गुदा द्वार से शरीर से बाहर निकल जाता है क्योंकि गुदा द्वार भी क्या है एक ओपनिंग है ठीक है तो सबसे पहले भोजन कहाँ जाएगा हमारे मुख में जाएगा मुख में जाने के बाद वो हमारी मुख गुहा में जाएगा मुख गुहा में बाद में ग्रसनी में ग्रसनी के बाद में कहा जाएगा ग्रसिका में और ग्रसिका के बाद में आमाशय में आमाशय से छोटी आंत छोटी आंस से बड़ी आंत बड़ी आंत से गुदा द्वार द्वारा बाहर निकल जाएगा तो अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं इन सभी के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं ठीक है क्लियर है हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग इन सभी के बारे में डिटेल में क्लियर से पढ़ने वाले हैं हमारे चैप्टर का नाम था पाचन तंत्र तो पाचन तंत्र किनसे मिलकर बना हुआ है पहला आहार नाल। भी मैंने बताया था जो हमारा पाचन तंत्र है वह किससे मिलकर बना हुआ है आहार नाल और दूसरा सहायक ग्रंथियां सहायक ग्रंथियां तो आहार नाल के बारे में तो हम लोगों ने बात कर ली कि हम आहार नाल के अंदर इन सब के बारे में बात करेंगे ठीक है अब हम थोड़ी सी जानकारी ले लेते ले ले हैं सहायक ग्रंथि के बारे में कि कौन कौन सी ग्रंथियां हैं जो किस में हेल्प करती है हमारे पाचन में हेल्प करती है ठीक है फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे आहार नाल का फर्स्ट पार्ट तो अभी तो हम लोग बात कर रहे हैं क्या बात कर रहे हैं हम लोगों ने बात करा कि जो पाचन तंत्र है वह दो चीजों से मिलकर बना हुआ होता है पहला आहार नाल तो हम लोगों ने आहार नाल के बारे में पता लगा लिया ठीक है अब बस हमको आहार नाल के बारे में पता लगा लिया अब हमें क्या करना है इसके बारे में जाके डीपली पढ़ लिया है पढ़ना है ठीक है अब हम फिर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं थोड़ी सी हम बात जानकारी सहायक ग्रंथियों के बारे में भी ले लेते ले हैं ठीक है फिर उसके बाद में हम हमारा चैप्टर स्टार्ट करेंगे ठीक है ये क्या ले लिया हमने एक ओवरव्यू ले लिया कि हम लोग क्या करेंगे जब आगे पढ़ेंगे तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी हमारे माइंड में सेट होगा कि हमें इसके बाद ये पढ़ना है इसके बाद ये पढ़ना है ठीक है तो हम लोगों ने आहार नाल के बारे में तो पढ़ लिया मैंने आपको पाचन की डेफिनेशन बताई थी या फिर मैंने बताया था जो पाचन तंत्र होता है तो पाचन तंत्र मनुष्य के अंदर पाचन किसके किस में संपन्न होता है आहार नाल व सहायक ग्रंथियां तो अब हम बात करते हैं ग्रंथियां हैं ग्रंथियों को क्या हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में है? ग्लैंड ग्रंथियों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं ग्लैंड ठीक है तो हमारे शरीर में या फिर हमारे जो पाचन में कितनी ग्रंथियां हेल्प करती है तो हमारे जो भोजन के पाचन में हेल्प करती हैं वो ग्रंथियां कितनी होती है पांच होती है ये पांच ग्रंथियाँ हमारे भोजन के पाचन में क्या करती है हेल्प करती है ठीक है तो हम लोग बात करने वाले हैं इन पांचों ग्रंथियों के बारे में पहली ग्रंथि है लार ग्रंथि कौन सी ग्रंथि लार ग्रंथि ठीक है दूसरी ग्रंथि है यकृत तीसरी ग्रंथि है अग्नाशय चौथी है जठर ग्रंथि और पांचवी है आत्मीय ग्रंथि ठीक है तो जो पाचन में हेल्प करती है पाचन में सहायता करती है वो ग्रंथियां ग्रंथियाँ कौन कौन सी है वो ग्रंथियाँ हैं ये तो पाचन में सहायता करने वाली ग्रंथियाँ कौन सी है पहली है लाल ग्रंथि दूसरी है यकृत तीसरा है अग्नाशय चौथा है जठर ग्रंथि और पांचवा है आत्री ग्रंथि ठीक है ये पांचों ग्रंथियाँ कहाँ पर हेल्प करती है हमारे किसमें हेल्प करती है हमारे पाचन में हेल्प करती है तो अब हम थोड़े से इनके इंग्लिश नाम भी जान लेते हैं ठीक है लार ग्रंथि को हम इंग्लिश में बोलते हैं सलाइवरी ग्लैंड क्या बोलते हैं सलाइवरी ग्लैंड यकृत को हम बोलते हैं लीवर क्या बोलते हैं लिवर वहीं दूसरी तरफ अग्नाशय को हम बोलते हैं पेंट्रियास जठर ग्रंथि को हम बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड और इंटेस्टाइनल ग्लैंड को हम बोलते हैं आंतरीय ग्रंथि ठीक है तो ये थी हमारी ग्रंथियां जो हमारी किस में हेल्प करती है पाचन के अंदर ठीक है क्लियर है तो देखो मैंने आपको बताया कि जो हमारा पाचन तंत्र है किससे मिलकर बना हुआ है आहार नाल से और सहायक ग्रंथियों से ठीक है ये बताया था इसमें से मैंने आपको बताया कि हमारी आहार नाल के कितने भाग होते हैं आठ भाग और हमारी ग्रंथियां कितनी है पांच यही बताया मैंने आपको कि हमारा पाचन जो होता है जंतुओं के अंदर या फिर मनुष्य हम बात करते हैं मनुष्य के अंदर पाचन तो मनुष्य के अंदर पाचन पाचन तंत्र में संपन्न होता है और हमारा पाचन तंत्र जो होता है वो किससे मिलकर बना हुआ होता है हमारा पाचन तंत्र आहार नाल और सहायक ग्रंथियों से मिलकर बना हुआ ठीक है अब हम लोगों ने क्या करा इनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी ले ली कि आहार नाल जो होता है उसके आठ भाग होते हैं और सहायक ग्रंथियां कौन सी होती है पांच होती है ठीक है इन पांचों के नाम यहाँ पर दे रखे हैं और जो आहार नाल होती है उसके जो भाग होते हैं वो पहला भाग क्या है पहला भाग हो गया मुख दूसरा हो गया मुख मुखगुआ ग्रसनी ग्रसिका हमाशय छोटी आंत बड़ी आंत और गुदा द्वार ठीक है तो अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आहार नाल अब हम लोग बात करेंगे आहार नाल के बारे में कि आहार नाल के जो आठ भाग हैं मैंने आपको बताया कि जो हमारी आहार नाल होती है उसके कितने भाग हैं ये जो आठ भाग हैं आहार नाल के इनके बारे में ठीक है तो इन आठों के बारे में हम लोग डीप में पढ़ने वाले हैं ठीक है थीके? तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे मुख मुख से स्टार्ट करेंगे क्यों क्योंकि जो हमारी आहार नाल है वह कहाँ से स्टार्ट होती है हमारी जो आहार नाल है वह मुख से स्टार्ट होती है इसीलिए हम लोग क्या बात करेंगे किसकी बात करेंगे हम लोग बात करेंगे की, ठीक है तो क्लियर है आप लोगों को कि हमारा जो चैप्टर है वो क्या है पाचन तंत्र पाचन तंत्र किससे मिलकर बना हुआ है आहार नाल और सहायक ग्रंथियों से ठीक है हम लोगों ने इतना बात कर ली कि आहार नाल के आठ भाग होते हैं और ग्रंथियां कितनी होती है पांच अब हम इन आठों भाग के बारे में डीप में पढ़ेंगे अच्छे से ठीक है आपकी बुक के अंदर इनके बारे में अच्छे से एक एक जानकारी दे रखी है और अब फिर हम पढ़ेंगे इन आठों को पढ़ने के बाद पढ़ेंगे सहायक ग्रंथियों के बारे में है? तो देखो, एक और देख लेते हैं सबसे पहले भोजन कहा जाएगा भोजन जाएगा हमारे मुख में क्लियर है भोजन सबसे पहले कहा जाएगा भोजन सबसे पहले जाएगा हमारे मुख में मुख में जाने के बाद में भोजन कहा जाएगा मुख गुहा में वो डायग्राम याद करो भोजन सबसे पहले कहाँ जाएगा मुख में और फिर मुख में जाने के बाद में भोजन जाएगा मुख गुहा में मुख गुहा के अंदर क्या होता है तीन भाग होते हैं दांत जीभ और तालू ठीक है तो सबसे पहले भोजन गया मुख के अंदर मुख के अंदर क्या होती है मुख गुहा होती है मुख गुहा के अंदर क्या होते हैं दांत होते हैं जीभ होता है और तालू होता है तो हम लोग जब मुख पढ़ेंगे फिर उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे मुख गुहा के बारे में मुख गुहा पढ़ेंगे तब हम लोग पढ़ेंगे दांत के बारे में फिर हम लोग पढ़ेंगे जीप के बारे में फिर हम लोग पढ़ेंगे तालू के बारे में ठीक है फिर आता है ये इसका पहला भाग फिर आता है दूसरा भाग ठीक है तो पहले भाग में हम मुख के बारे में पढ़ेंगे फिर दूसरे भाग में हम मुख गुआ में बारे में पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे दांत के बारे में जीप के बारे में तालू के बारे में अच्छे से इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे फिर भोजन कहा जाता है ग्रसनी में कहा जाता है भोजन ग्रसनी में ग्रसनी के भी तीन भाग होते हैं नासा ग्रसनी मुख ग्रसनी और लहरिंगो ग्रसनी तो जब हम ग्रसनी पढ़ेंगे तब हम तीनों ग्रसनियों के बारे में बात करेंगे ठीक है फिर आता है चौथा ग्रसिका ग्रसिका में जाने के बाद में भोजन कहाँ जाता है हमारे आमाशय में ऐसे एक शेप का बना हुआ होता है ना ये क्या है हमारा आमाशय ये क्या है ग्रसिका तो ग्रसिका से भोजन कहाँ जाता है आमाशय में और आमाशय को जब पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे आमाशय के तीन भाग होते हैं पहला और पायलोरिक ठीक है इन तीनों पार्ट के बारे में पढ़ेंगे ठीक है समझ रहे हो कि जब हम मुख गुआ पढ़ेंगे उसके बाद में भोजन मुख में जाता है सबसे पहले भोजन मुख में जाता है फिर मुख गुआ में जाता है तो जब हम मुख गुआ पढ़ेंगे तब हम दांत के बारे में पढ़ेंगे जीप के बारे में पढ़ेंगे और तालू के बारे में पढ़ेंगे ठीक है फिर आता है भोजन ग्रसनी में तो जब हम ग्रसनी पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे नासा ग्रसनी के बारे में मुख ग्रसनी के बारे में और लरिंगो ग्रसनी के बारे में ठीक है फिर आता है ग्रसिका ग्रसिका पढ़ेंगे फिर उसके बाद में क्या पढ़ेंगे आमाशय तो आमाशय के तीन भाग होता है कार्डियक फंडस और पाइलोरिक फिर भोजन आमाशय से कहा जाता है हमारी छोटी आंत के अंदर ठीक है तो फिर हम क्या पढ़ेंगे छोटी आंत के बारे में ठीक है तो छोटी आंत के भी तीन भाग होते हैं ग्रहणी, मध्यांश और शुद्रांश डुडोनियम जुजोनियम और इलियम तो छोटी आंत पढ़ेंगे तो छोटी आंत के तीनों भागों के बारे में पढ़ेंगे डुडोनियम जुजोनियम इलियम छोटी आँत पढ़ने के बाद में फिर हम पढ़ेंगे बड़ी आँत के बारे में ठीक है जब हम बड़ी आँत पढ़ेंगे तो बड़ी आँत के भी तीन भाग होते हैं अंधनाल वृद्धांश और मलाशय सीकम कोलोन रेक्टम अंधनाल वृद्धाश्य वृद्धांश और मलाशय ठीक है फिर उसके बाद में बड़ी आँत पढ़ने के बाद में जो अपचित भोजन है वह गुदा द्वार के द्वारा बाहर निकल जाएगा ठीक है तो ये सब पढ़ेंगे हम आहार नाल के अंदर क्लियर है आहार नाल के अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आहार नाल के अंदर हम लोग पढ़ने वाले आहार नाल के आठ अंगों के बारे में ठीक है तो पहला अंग दूसरा अंग तीसरा अंग चौथा अंग छठा, ये वही छठा, सातवा और आठवां और इनके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे क्यों क्योंकि इसके अंदर जो कितने इसके कितने भाग होते हैं उनके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे ठीक है तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मुख की तो मुख जो होता है किसके अंदर खुलता है मुख गुहा में और मुख गुहा में क्या होते हैं तीन चीजें होती है दांत जीव और तालू तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं दांत के बारे में ठीक है फर्स्ट लाइन आप ये लिख सकते हो कि जो हमारा मुख होता है वह मुख जो होता है कहाँ पर खुलता है हमारी मुख गुहा में खुलता है और जो हमारा मुख होता है वह दो औष्टों से ढका हुआ होता है ठीक है दो औष्ट हमारे होट हो जाते हैं ठीक है तो क्लियर है हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं आहार नाल क्या पढ़ने वाले हैं आहार नाल और आहार नाल के भाग भी क्लियर होंगे कि कौन सा भाग पढ़ेंगे फिर उसके बाद में कौन सा और आहार नाल पढ़ने के बाद में हम पढ़ेंगे ग्रंथिया ठीक है तो पहले हम लोग पढ़ेंगे आहार नाल के आठ भाग ठीक है उसमें से पहला क्या है मुख जो होता है कहाँ पर खुलता है मुख गुहा में और मुख गुहा के अंदर कितने है? क्या चीज मुख गुहा के अंदर क्या होता है दांत होते हैं जीभ होते हैं तालू होते हैं ठीक है तो हम, हम स्टार्ट करते हैं हमारे ठीक है तो जो हमारा मुख होता है मुख कहां पर खुलता है हमारा मुख खुलता है मुख गुहा में या फिर आप बोल सकते हो कि हमारा जो मुख होता है उसके अंदर क्या होता है हमारे मुख के अंदर होते हैं दांत जीभ और तालू ठीक है हमारे मुख के अंदर क्या होते हैं दांत जीव तालू तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं दांत के बारे में ठीक है सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे दांत के बारे में फिर जब हमारा दांत कंप्लीट हो जाएगा फिर हम पढ़ेंगे जीप के बारे में फिर जब हमारा जीव कंप्लीट हो जाएगा तो हम पढ़ेंगे तालू के बारे में ठीक है तो हम फिर जब हमारा आहार नाल का दूसरा भाग खत्म हो जाएगा फिर हम पढ़ेंगे ग्रसनी के बारे में ठीक है तो अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं दांत के बारे में कि दांत क्या होते हैं ठीक है सिंपल सी बात है कि पाचन तंत्र जो होता है उसके दो भाग होते हैं आहार नाल और सहायक ग्रंथियां तो हम लोग पढ़ने वाले आहार नाल की और आहार नाल के भाग की कि आहार नाल किन किन से मिलकर बना हुआ है जब हम आहार नाल पढ़ लेंगे तो हम क्या पढ़ेंगे सहायक ग्रंथियां तो अभी हम लोग ने स्टार्ट किया है आहार नाल तो जो हमारा मुख होता है वो कहाँ पर खुलता है मुख गुहा में और मुख गुहा के तीन भाग होते हैं दांत जीभ और तालू तो अब हम लोग बात करेंगे इनके बारे में डिटेल में ठीक है आज के लेक्चर में बस इतना ही बाकी का नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं थैंक यू